हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 जो कि चैप्टर 5 से है, राइट, कि ब्रैकेट का यूज किस तरह से होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 पहले देखो, राइट, क्योंकि वहाँ पर 1 और 2 के साथ साथ प्रॉब्लम है, 7 प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा चुका है। आज पार्ट 2 में प्रॉब्लम नंबर 3 से हम लोग देखने वाले हैं, राइट, लास्ट क्वेश्चन तक आज हम लोग एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, आप यहां पर देख सकते हो प्रॉब्लम नोट डाउन मैं कर चुका हूं। तो एक एक करके सभी प्रॉब्लम को हम लोग बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ये जो लिखा हुआ है। इधर को सॉल्व करने से 75 आना चाहिए, है ना। ये LHS है और ये क्या है, RHS, यानी कि LHS को सॉल्व करने से ये 22 आना चाहिए, इधर के सॉल्व करने से ये 0 आना चाहिए, इधर का ये सॉल्व करने से 1 आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। यानी कि LHS को सॉल्व करना है, RHS लाना है। अगर आता है, दोनों तरफ इक्वल आ जाता है तो बोलना है ट्रू, और नहीं आता है तो क्या बोलना है, फॉल्स। ठीक है, ओके, चलो देखो जरा इधर का सॉल्व करते हैं हम लोग। 18 माइनस, अब देखो जरा आपको ध्यान से समझना है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। क्लियर है, ये मैंने किस में लिया है, LHS में, LHS। क्लियर है, यानी कि LHS मतलब कि इधर का जो रहता है उसको LHS बोलते हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को बोलते हैं। तो इधर वाले को ही मुझे लाना है, ठीक है। अब 18 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 = अब इधर में क्या है, 75 है। तो देखो ये इधर को सॉल्व किया तो 3 आआ और इधर में है 75, तो ये तो ये दोनों आपस में तो इक्वल नहीं है। इधर भी 75 आता, राइट, और इधर तो 75 है ही, तब जाके ये ट्रू होता। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स, है ना। ये नॉट इक्वल टू, 3 is not equal to 75, ये पहला हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया। दूसरा, 5 × 4 + 2, तो सबसे पहले किसको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई को। तो 5 × 4 = 20 और ये प्लस 2, ठीक है। तो LHS को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है, 220 और इक्वल टू ये 22, इधर में चल ही रहा है ना। तो 20 और 2 को ऐड करो तो कितना हो गया, 22, और इधर में भी 22 तो है ही, क्लियर है ना। तो देखो दोनों तरफ क्या आ गया, 22 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। ये क्या हो गया, ट्रू, क्लियर। अब तीसरा देख लो, 4 − 2 − 2, क्लियर है। तो देखो ये 4 अपनी जगह है, और देखो ये 2 भी माइनस में है और ये भी 2 माइनस में है, यानी कि ये दोनों एक ही जाति के हैं। ये माइनस बिरादरी का है और ये भी माइनस जाति का है ना, माइनस जाति का है दोनों। तो माइनस में कितने हो जाएंगे, 4, माइनस में कितने हो गए, 4, क्योंकि ये भी 2, ये दोनों जुड़ गए और साइन उसी का रहा, माइनस का ही, क्लियर है। अब देखो हमें लाना है 0, हमें इधर तो 0 चल ही रहा है, 0। अब देखो 4 में से 4 गया तो 0 = 0 इधर भी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो ट्रू हो गया। अब चलो इधर का देखो, इधर का सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 18 ÷ 1/6, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 1/3, क्लियर है। नीचे में कुछ नहीं है तो वन है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, 18 ÷, अब एक बार नीचे मल्टीप्लाई 18 हो गया, ऊपर ऊपर 1 हो गया, है ना। अब देखो ये फिर क्या होगा, फिर इसको यहाँ पे कर लो, डिवाइड है तो फिर मल्टीप्लाई, फिर 18 / 1, है ना, कुछ नहीं है तो वन। तो ये देखो ये क्या हो रहा है कि 18 × 18 आ गया, इसका मतलब 256 आ गया, है ना, इसका मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है। और थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा वो है, आपको आंसर चेंज हो जाता है जब आप इसको और इसको करके फिर आगे प्रोसीड करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, और इसको लेकर के फिर आगे बढ़ोगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इक्वल टू 1 कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका फॉल्स है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका फॉल्स है, राइट। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 3 का ट्रू फॉल्स, जो कि 4 प्रॉब्लम दिए हुए थे और हमें बताना था कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 4 में हम लोग आए हैं, यहाँ पे करना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें क्या करना है, बनाना है इसको, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, देखो जरा, 3 पहला नंबर प्रॉब्लम, 347, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे 347 मल्टीप्लाई, ये मैंने इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, जो आसान पड़ेगा मुझे उसे ब्रेक कर देता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं,
100+1 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो तो देखो अब क्या करते हैं, ये 347 क्या होगा, पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 347 फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। देखो 100+1 करूंगा तो ये 101 आ जाएगा, समझ में आ गया, तो ऐसे। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम लोग ब्रेक कर देते हैं, है ना, किसी भी ऐसे इजी जो इजी पड़ेगा मुझे उसको ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद हम लोग है ना 1/1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 347 पहले 100 से होगा, फिर 347 पहले 1, फिर बाद में 1 से होगा। तो चलो यहाँ 347 किस में है, प्लस में, ये 100 किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। देखो प्लस को मैं यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ, प्लस को प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो प्लस। साइन अगर उल्टा उल्टा रहेगा, यानी कि अपोजिट साइन रहेगा, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा माइनस में आएगा। साइन सेम सेम रहे, प्लस प्लस रहे, माइनस माइनस रहे, तो प्लस में ही आएगा, क्लियर है, ठीक है, वही चीज़ है। तो प्लस, ये 347 कैसा नंबर है, प्लस, और 100 कैसा है, प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस होगा, इसका मतलब 347 और 100 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 2 जीरो आ जाएगा, है ना, ओके। अब किससे होगा, यहाँ पे प्लस दे दो, क्योंकि प्लस और ये प्लस तो प्लस हो गया। अब 347 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो किससे कितना हो जाएगा, 347 हो जाएगा, क्लियर है। अब चलो अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, है ना। तो ये फटाफट मेरा इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो यहाँ पे आंसर आएगा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट अब मुझे यहाँ मिलने वाला है, क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमारा आसान हो जाता है बनाने के लिए, ठीक है, ओके। तो देखो 0 और 7 को ऐड करो तो 7, 0 और 4 को ऐड करो तो 4, 7 और 3 को ऐड करो तो 10, 7+3 10 का 0 हाथ में 1, अगर अगेन 4 और इधर में देखो चौथा प्लेस पे है ये 4, इधर में चौथा प्लेस है ही नहीं, तो 4+1 5 हो जाएगा, क्लियर है, है ना। अब ये 3 तो इधर 3 अकेला है, इधर 3 तो 5 3 5 0 4 7, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये पहला आंसर था इसका। उसी तरह से यहाँ पे कर लेते हैं 492 मल्टीप्लाई, देखो 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को हम लोग लिख सकते हैं ना 100-2 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, 100 में से 2 गया तो 98 हो गया, क्लियर है। आप क्या फटाफट मल्टीप्लाई 492 को 100 से मल्टीप्लाई, तो पहले साइन से इनका प्लस प्लस, देखो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस में हो जाएगा 492, ठीक है। अब देखो ये प्लस और यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यही सेम चीज़ 100 से होगा और यही फिर 2 से होने जाएगा, तो पहले साइन का प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस तो माइनस लिखो, है ना। अब फिर नंबर को करो, 492 को 2 से करो तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 8+1 9 9 84 हो गया, क्लियर है। अब इन दोनों में क्या करोगे आप, हाँ एक चीज़ और, ये जीरो डालना भूल गए हम लोग, है ना, 492 को 100 से करो तो ये 492 00 ऐसा आएगा, 2 जीरो आ जाएगा इस पर, क्लियर है, है ना। और अब क्या करोगे, प्लस माइनस तो माइनस, उसके बाद 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, और 4 2 जा 8 8+1 9 8 4, ओके। अब क्या करोगे, अब इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को घटा दो, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया क्या हो गया 6, 10 में से 4 गया क्या हो गया 6, यहाँ पे क्या बच गया 9, 9 में से 8 गया क्या हो गया 1, 9 में से 8 गया क्या हो गया 1, और यहाँ पे क्या बच गया 11, ठीक है। देखो 49200 में से 984 को आपको क्या करना है, घटाना है, तो देखो ये जीरो में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 10 बनेगा यहाँ से लेगा, क्लियर है, तो 10 में से 4 गया, ये कितना बना, ये सॉरी एक्चुअली क्या होता है कि ये इसके पास जाता है, फिर ये कहता है मेरे पास नहीं है, तो फिर ये इसके पास जाता है ना, ठीक है, ओके, हाँ। तो ये 10 में से 4 गया तो ये हो गया 6, अब ये बच गया 9, क्योंकि अभी अभी दिया इसने, तो 9 में से 8 गया 1, ये बच गया 1 बच गया, अब ये बाजू वाले से लिया था 11, 11 में से 9 गया कितना, 11 में से 9 गया 2, और ये क्या बन गया, ये बन गया 8, और ये तो 4 है ही, तो इसका मतलब क्या आ गया 48216, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत आसान है, ठीक है, इस तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाना है, ठीक। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 को देख रहे हैं, ठीक है, देखो प्रॉब्लम नंबर 3 को कैसे बनाना है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 5.8 को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है,
मल्टीप्लाई, अब देखो 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.5 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.5 तो 1.5 आ जाएगा, क्लियर है। आप क्या करोगे, 5.8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 0.5 से करो, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.8। हाँ याद रहे, साइन का भी मल्टीप्लाई करना है। 5.8 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, प्लस, और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस में ही आएगा, और 5.8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही का वही रह गया, फिर प्लस, फिर यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस ये रहा प्लस, ठीक है। 5.8 को और 0.5 से मल्टीप्लाई करो, क्या कहा मैंने, 5.8 मल्टीप्लाई 0.5, क्लियर है। देखो मैं इसको और अच्छे से ब्रेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो साइन का प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 5.8 मल्टीप्लाई 1, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब चलो प्लस, फिर यहाँ प्लस, तो प्लस हो गया, फिर क्या हो गया, 5.8 मल्टीप्लाई 0.5, ऐसा ही कुछ होगा, क्लियर है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया, ओके। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 5.8 ही रह जाएगा प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो जरा, 550, देखो 58/10, ये डेसिमल मैंने हटा दिया, मल्टीप्लाई यहाँ भी मैंने डेसिमल हटा दिया, 5 और नीचे में 10 आ गया, तो डेसिमल के लिए 1 लिखते हैं, और डेसिमल के उधर में जितने डिजिट रहेगा, एक डिजिट है तो 10, डेसिमल के लिए 1 लिखा मैंने, उधर में एक डिजिट है यानी कि केवल 5 है तो 10, अगर यहाँ पे 2 भी रहता तो एक और 0 आ जाता, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना है, अब देखो कैसे बनाना है इसको, 5.8 प्लस, अब क्या करना है, इन दोनों को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है। देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो 58 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में आ गया 4, है ना, 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में 4, फिर 5 × 5 = 25, 25 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 29, और ये क्या हो गया, 100, नीचे में 10 × 10 = 100 हो गया, ठीक है, ओके। अब चलो अब ध्यान से देखो, ये कट रहा है, ये 10 से 10 चला गया, ये इस तरह से आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, 10 से 10 चला गया, तो क्या हो गया, 5.8 प्लस 29/10। अब क्या करते हैं, इसको डेसिमल में बना देते हैं, ठीक है, है ना। अभी अभी हमने क्या था, डेसिमल में था तो मैंने फ्रैक्शन में बना लिया था, 58/10 डेसिमल हटा दिया था, क्लियर है। अभी फिर से नीचे में 10 बचा है तो हम लोग डेसिमल चढ़ा देते हैं, क्योंकि सब चीज कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, 2.9, है ना। क्या करते हैं, इधर से हम लोग जितने जीरो रहते हैं उतने डिजिट काउंट करके डेसिमल डाल देते हैं, तो एक जीरो है तो एक डिजिट इधर से काउंट करो, तो केवल 9 के ठीक तुरंत बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 5.8 प्लस 2.9 आ गया, क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो 5.8 प्लस 2.9 ऐड करो जरा, 8 और 9 को ऐड करो तो 8 × 8 = 16 = 17, है ना। 8 + 9 = 17 का 7 कैरी 1 हो गया, ठीक है। और ये डेसिमल ऐसे ही दे दो यहाँ पे, डेसिमल 5 + 2 = 7, 7 + 1 कितना, 8, है ना। तो कितना आ गया, 8.7। देखो इसको सॉल्व करने से, 5.8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8.7, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर, जो कि आपका लास्ट प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो 48 को मल्टीप्लाई करना है 0.9 से, तो कैसे करना है, देखो 48 को 48 लिख दो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो 0.9 है, इसका मतलब आप सोचोगे कैसे आएगा, देखो 1 माइनस, अगर एक में से, है ना, 1 में से अगर 0.1 घटा दिया जाए, है ना, ठीक है, 0.1 घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ध्यान से देखना कैसे, 1.0, देखो 1 का मतलब है कि 1.0, ठीक है, और घटाना है, माइनस करना है 0.1, तो ये रहा 0.1, ठीक है। अब देखो ये कुछ, ये 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो बाजू वाले से लेगा, राइट, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 बनेगा, और 10 में से 1 जाएगा, कितना बन जाएगा ये, 9, और डेसिमल यहाँ पे अब तो कुछ नहीं बचा, 0 बच गया है, क्योंकि अभी अभी उसने दे दिया था, तो देखो 0.9, इसका मतलब हम लोग ये 0.9 को लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, ये 0.9 को, किसको, 0.9 को ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। अब बस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 48 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 48 मल्टीप्लाई 1 ऐसा हो गया,
ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे बताया हूँ ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का साइन दे दो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 0.1, ऐसा हो गया है ना, हमने कुछ ऐसा बना लिया। अब ये क्या हो गया, 48 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 अकेला रह गया, यही हो जाएगा माइनस, ये रहा 48 मल्टीप्लाई, इसको आप ब्रेक कर दो है ना, डेसिमल में है ना, तो इसको आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में कर दो, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देखो डेसिमल के इधर में 1 है ना, तो 1 और ये हो गया 10, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको सीखना है, क्लियर है ना। चलो तो 1/10 हो गया, अब आप क्या करोगे इसके, अब 48 के नीचे में कुछ जब नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो ये क्या हो गया, 48 माइनस ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 48/10 हो जाएगा। देखो 48 इंटू 1 तो 48 और 1 इंटू 10 तो 10, 1 जा 10 हो गया, क्लियर है। अब क्या करोगे, इन दोनों के बीच में अब आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन अप्लाई, नॉट सब्ट्रैक्शन, अब एक काम करते हैं, इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं, तो देखो 48 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अभी 10 है, तो मैंने अभी अभी बताया था यहाँ पे है ना, कि नीचे में जीरो जितना रहेगा, एक जीरो है तो उधर से एक जीरो काउंट करके, किधर से, इधर से एक जीरो काउंट करके आपको डेसिमल लगा देना है ना, तो अभी डेसिमल में था तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, और जब फ्रैक्शन में रहेगा, तो जब ये फ्रैक्शन में है तो मैंने फिर से डेसिमल में चेंज कर लिया अपने सुविधा के लिए। अब क्या करना है, 48 में से 4.8 को घटाना है, तो देखो ये रहा 48 है ना, 48, अब डेसिमल यहाँ देना है और ऐसे जीरो है ना, और देखो डेसिमल को डेसिमल के जगह पे ऐसे रख देना है, डेसिमल के इधर में 8 है और डेसिमल के इधर में यहाँ 4 है। अब क्या करना है, घटा देना है, ऐसे घटाना है ना, डेसिमल का आपको सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अच्छे से आना चाहिए, ओके ठीक है। चलो तो ये क्या होगा, यहाँ पे गया, ये क्या हो गया 10, और 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया आपका, 10 में से 8 गया 2 हो गया, 10 में से 8 गया 2, और डेसिमल डेसिमल डेसिमल, अब ये क्या बन गया, 7, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, 7 में से 4 गया कितना हो गया, 3, और ये 4 तो है ही है ना, इसका मतलब 43.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 43.2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये सब चीज़ समझना है कि कैसे डेसिमल में बदल दिया मैंने, है ना, कुछ नहीं है, ये एक जीरो था तो उधर से एक डिजिट काउंट करके डेसिमल डाल देना है, अगर एक और जीरो रहता तो दो डिजिट के बाद फिर डेसिमल डाल देता, समझ में आया। तो ये कंप्लीट आपका प्रॉब्लम नंबर 4 का 1, 2, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, कंप्लीट आपका बन गया है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट, यस। तो आई होप कि आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अगला जो प्रॉब्लम है उस पर, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर जो 5 है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है, समझते हैं इस प्रॉब्लम को। अंकित हैज़ आरएस 50 रुपीज़, अंकित के पास 50 रुपीज़ है, ही गेव 7/10 ऑफ इट, यानी कि 50 रुपीज़ का ऑफ इट का मतलब क्या होता है, यही चीज़ आपको लैंग्वेज पकड़ते आना चाहिए है ना। ये जो 7/10, ये जो दिया ना 7/10 ऑफ इट, यानी कि 50 का 50 रुपीज़ का 7/10 भाग विनीता को दे देता है, क्लियर है। अंकित क्या करता है, 7/10 अपने 50 रुपीज़ का इट, मतलब ये 50 रुपीज़ की बातें कर रहा है किसको, विनीता को, फॉर हर रिक्वायरमेंट, उसकी जो ज़रूरत होती है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। हाउ मच मनी डिड ही गिव टू विनीता, विनीता को उसने कितना पैसा दिया, क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, कैसे होगा ज़रा देखना है ना। तो यहाँ पे कितना जी अंकित, यहाँ पे लिखना है क्या, टोटल है ना, टोटल मनी है ना, टोटल मनी कितना है जी, 50 रुपीज़, ठीक है, ओके। उसके बाद ही गेव विनीता कितना जी, 7/10, 7/10 ऑफ कितना, 50 रुपीज़ का, राइट। अब चलो तो कितना हो जाएगा, देखो 7/10 ये हो गया, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो गया 50, तो देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, और 7 × 5 बच गया, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 7 × 5, यानी कि 7 × 5, और नीचे में क्या बच गया, 1, और यहाँ भी 1, तो 1 × 1 क्या 1 ही रहेगा नीचे में, तो कोई मतलब नहीं रहा,
75 रुपीज़। क्लियर है? इसका मतलब विनीता को कितना मिला, 50 रुपये में से 35 रुपये विनीता को मिला उसके खर्च करने के लिए। तो कितना पैसा मिला इसको विनीता को, है ना? ठीक, तो यहाँ पे ये निकल गया, ठीक है, 35 रुपीज़। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या कह रहा है प्रॉब्लम, उसको समझते हैं। मयंक विथ RS 20 रुपीज़, मयंक जो है वो 20 रुपये के साथ, एंड और पंकज विथ 30, यानी कि पंकज जो है 30 रुपये के साथ, ठीक है, मयंक 20 रुपये के साथ और पंकज 30 रुपये के साथ विजिटेड अ फेयर, एक मेला घूमने गए वो लोग, ठीक है, फेयर मतलब मेला। बोथ ऑफ देम टुगेदर, दोनों एक साथ स्पेंड 2/5 ऑफ पार्ट ऑफ देयर टोटल मनी, उनके पास जो टोटल पैसा बना, यानी कि 20 रुपये और 30 रुपये मिलकर कितने टोटल पैसे हो गए, 50 रुपये, यानी 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ का 2/5 पार्ट उन्होंने क्या किया, खर्च किया। स्पेंड मतलब होता है, स्पेंड मतलब होता है खर्च कर देना, ठीक है, उन्होंने मेले में खर्च किया, ठीक है, यानी कि दोनों टुगेदर साथ में दोनों के टोटल पैसा मिला लिया जाए, दोनों के पैसा को कलेक्ट किया जाए तो 50 रुपीज़ होता है, उसका 2/5 पार्ट क्या किया इन्होंने, मेले में खर्च किया, ठीक है। वाइल रिटर्निंग, जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे, मेले से वापस आ रहे थे, क्लियर है, फ्रॉम फेयर मेले से वापस आ रहे थे, दे पेड 10 रुपीज़ मोर, तो उन्होंने 10 रुपये और क्या किया, पे किया। किस लिए जी, फॉर एग्जीबिशन, कुछ एग्जीबिशन लगा होगा मेले से जैसे ही वो वापस आ रहे थे, तो एग्जीबिशन लगा हुआ था, जैसे लगता है एग्जीबिशन, जैसे अलग अलग तरह का एग्जीबिशन होता है, फ्लावर एग्जीबिशन और बुक एग्जीबिशन, अलग अलग तरह का एग्जीबिशन लगते रहता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने 10 रुपये और दे दिया। तो हाउ मच अमाउंट डिड दे स्पेंड ऑन फेयर, तो अब यहाँ पे आ रहा है कि अब आप मुझे ये बताओ कि उन्होंने मेले में कितना रुपए खर्च किया, राइट। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले तो दोनों के पास कितना पैसा है वो पहले निकाल लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल मनी, टोटल मनी है ना, टोटल मनी विथ विथ मयंक एंड पंकज, विथ मयंक मयंक एंड पंकज इक्वल टू कितना होगा, 20 प्लस 30, इसका मतलब कितना हो गया, 50 रुपीज़, टोटल मनी 50 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब दोनों का पैसा, ठीक है, बोथ ऑफ देम टुगेदर स्पेंड 2/5 पार्ट ऑफ देयर टोटल मनी, टोटल मनी का 2/5 पार्ट, यहाँ पे स्पेंड मनी इन फेयर, है ना, मेले में खर्च किया हुआ पैसा कितना जी, कितना 2/5 ऑफ कितना, टोटल पैसा दोनों का टुगेदर, मतलब दोनों का पैसा का, इसका मतलब कितना हो गया, 2/5 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये रहा 50, अब 50 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, अब ये कटेगा 5 10 जा, है ना, 5 के टेबल से 5 1 जा में ये चला गया और 5 10 जा में ये चला गया, क्लियर है। तो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब कितना हो गया, 20 रुपीज़, क्लियर है। अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, तो जब वो वापस लौट रहे थे ये 20 रुपये, इसका मतलब खर्च हो गया उनका, 50 रुपये में से 20 रुपये खर्च हो गए, ओके। अभी जब वापस लौट रहे हैं तो 10 रुपये और क्या हो गया, इन्होंने पे किया है, है ना। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम फेयर दे पेड RS 10 रुपीज़ मोर फॉर एग्जीबिशन, है ना, 10 रुपये और इन्होंने एग्जीबिशन पे दिया है, तो यहाँ पे है ना, एंड ही पे दे पे एंड दे पे फॉर एग्जीबिशन इक्वल टू 10 रुपीज़, 10 रुपये इन्होंने और दिया है, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट डिड दे स्पेंड इन फेयर, कह रहा है कि टोटल अब कितना पैसा उन्होंने मेले में खर्च किया, तो यहाँ पे लिखना है टोटल, टोटल अमाउंट या टोटल अमाउंट स्पेंड इन फेयर, स्पेंड इन फेयर इक्वल टू, तो टोटल पैसा कितना खर्च हुआ, 20 रुपये और 10 रुपये, तो क्या करोगे, 20 रुपीज़
प्लस 10 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा जी, कितना होगा 30 रुपीज़ हो जाएगा, 20 और 30 रुपये, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा आपका, राइट। तो अब हम लोग मूव हो रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, ठीक है, यस। तो अब हम लोग मूव हो रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर। तो डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि लास्ट प्रॉब्लम होगा आपके एक्सरसाइज 5.3 का, राइट। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। देखो, पूजा गॉट RS60, पूजा ने किसे RS60 फ्रॉम हर फादर, अपने पिताजी से 60 रुपये इसने पाया, ठीक है, मिला इसको, ठीक है। आगे RS40 फ्रॉम हर मदर, उसकी मम्मी से कितना रुपये मिला, 40 रुपये, 40 रुपीज़। RS20 फ्रॉम हर ब्रदर, उसके भाई से कितना मिला, 20 रुपीज़, यानी कि इसने पापा से 60 रुपीज़, मम्मी से 40 रुपीज़ और अपने भाई से 20 रुपीज़ इसने कलेक्ट किए, मतलब इसको मिला। अब आगे, तो सी परचेज अ पेन, उसने एक पेन खरीदा फॉर 15 रुपीज़, 15 रुपये का उसने एक क्या खरीदा, पेन खरीदा, परचेज मतलब होता है खरीदना, ठीक है, एक पेन, ए पेन मतलब एक पेन खरीदा 15 रुपीज़ का, ओके, ठीक। अब क्या कह रहा है कि सी डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग अमाउंट, और जो पैसा बच गया, देखो सब पैसा कितना हो गया, 60, 40 और 20 को ऐड कर दोगे तो टोटल पैसा हो जाएगा इसके पास कितना हो गया, तो 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 20 120, 120 में से 15 रुपीज़ का पेन खरीदा, तो 120 में से 15 गया, 105 रुपीज़ बच गया। 105 रुपीज़ को अब कह रहा है कि सी डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि जो पैसा बच गया पेन खरीदने के बाद उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि बांट दिया इक्वली अमोंग हर फाइव फ्रेंड, अपने पांच दोस्तों के बीच में एकदम बराबर बराबर बांटा, किसी को एक रुपये कम ना एक रुपये ज़्यादा, एकदम पांचों दोस्त को बराबर बराबर बांटा, यानी कि 105 रुपये को बराबर बराबर इक्वली उसने क्या किया, बांट दिया। तो हाउ मच मनी डिड ईच ऑफ हर फ्रेंड्स गेट, कह रहा है कि कितना पैसा हर एक दोस्त को, एक एक दोस्त को कितना कितना रुपए मिला, ये बताना है आपको। चलो तो शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को तो समझ चुके हो, क्या करोगे आप, पहले तो पूरा पैसा ऐड कर दो, उसके बाद इसको घटा दो, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, ऐसे ही ना, ओके। चलो देखते चलो, अगर हम लोग ब्रैकेट वाला पढ़ रहे हैं तो कुछ ब्रैकेट टाइप का बनाते हैं। तो चलो, टोटल पैसा कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर टोटल पैसा अगर देखें तो कितना हो जाएगा, देखो 60 प्लस 40 प्लस कितना 20, ये सब पैसा जुड़ेगा, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, हाँ एक मिनट ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ कि मनी गेट बाय पूजा, है ना, टोटल मनी, टोटल मनी गॉट, टोटल मनी गॉट बाय पूजा, है ना, टोटल मनी गॉट बाय पूजा, तो कितना हो जाएगा जी, 60 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़, तो कितना हो गया, 60, 40, 20, कितना, 120 रुपीज़, 120 रुपये टोटल उसने पाया, ठीक है, ओके। उसके बाद सी परचेज्ड वन पेन, अ पेन, ठीक है, एक पेन उसने खरीदा कितने का जी, है ना, 15 रुपीज़ का, 15 रुपीज़, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिमेनिंग अमाउंट, है ना, रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि 15 रुपये का पेन खरीदने के बाद, यानी कि 15 रुपीज़ का पेन खरीदने के बाद जो पैसा बचा, कितना बचा, तो 120 माइनस 15, तो कितना, 105 रुपीज़ बचा है इसके पर्स में, है ना, पूजा के पर्स में, ओके। अब क्या किया इसने, डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, कितने दोस्तों के बीच में, 5 फ्रेंड्स के बीच में, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ सी डिस्ट्रीब्यूटेड रिमेनिंग मनी, है ना, बचा हुआ पैसा, रिमेनिंग अमाउंट सी डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग अमाउंट, है ना, सी डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग अमाउंट
है ना, इक्वली रिमेनिंग अमाउंट इक्वली इक्वली एमोंग फाइव फ्रेंड, ऐसा लिख ले रहा हूँ, एमोंग फाइव फ्रेंड, फाइव फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, कितना 105 रुपए को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, पांच लोगों से, क्योंकि पांच टोटल पैसा 105 रुपए बचा है और पांच लोगों में ये बांट रही है, तो डिवाइड कर दिया मैंने फाइव से, तो कितने कैसे कटेगा ये, 51 जा और 521 जा, आप करके बताओ, देखो 5 से 205 को करो डिवाइड, तो देखो 54 जा, एक मिनट 205 क्यों लिख रहा हूँ, है ना, ये 52 जा, देखो 52 जा ये 10 हो गया, ख़त्म हो गया, अब ये 5 बचा नीचे आया तो 51 जा, यानी कि 21 रुपये पड़ रहा है ना एक व्यक्ति को, 21 रुपीज़, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, हाउ मच मनी डिड ईच ऑफ हर फ्रेंड्स गेट, एक फ्रेंड को कितने रुपए मिलेंगे, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ईच ऑफ हर फ्रेंड गेट मनी, क्या लिखूँगा, ईच ऑफ हर फ्रेंड्स गॉट मनी इक्वल टू कितना, 21 रुपीज़, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है, तो ये था आपका कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन, कुछ इस तरह से ये मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ इस तरह से मैंने इसको बनाया, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्या करना है, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, क्लियर है। अगर इसी प्रॉब्लम को आप कहते कि सर थोड़ा सा मुझे उस रूप में बताओ, किस रूप में जी, है ना, कि ब्रैकेट वाला पढ़ रहा हूँ तो ब्रैकेट के रूप में, तो ब्रैकेट वाला रूप में तो कैसे बनता ज़रा देखो, सभी पैसा को क्या करते, एक ब्रैकेट में बंद करते, 60 प्लस 40 प्लस क्या लिखते 20, है ना, उसके बाद फिर क्या लिखते माइनस में 15, माइनस में, और इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर डिवाइड कर देते किस से, 5 से, तो ये ब्रैकेट में पूरा बन जाता, तो पहले क्या करते आप देखो, स्मॉल ब्रैकेट लगा है इसका मतलब पहले इसका काम होता है ना, ठीक है, ऐसे हो जाता, तो ये इन सब को ऐड करते उसके बाद घटा देते, तो कितना ये 100 और माइनस 15 ये फिर ऐसे हो जाता, फिर डिवाइड 5, अब 100 में से 5 तो कितना हो गया 105, फिर डिवाइड 5, है ना, ये फिर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, फिर जब डिवाइड करोगे तो फिर 21 रुपीज़, तो ये ऐसे बनता कब, जब ब्रैकेट वाला पूरा नियम कानून लगाते तब, हालांकि ऐसे बनाओगे तो भी सही है और ऐसे बनाओगे तो भी सही है ना, ठीक है, ओके ऑल राइट, आई होप कि आपने मेरी मेहनत से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा, तो एक थम्स अप तो ज़रूर होना चाहिए, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर और एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ, सो टेक केयर एंड बाय।